नमस्ते दोस्तों, रीता शर्मा ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। और आप लोग बताओ दोस्तों, आप लोग कैसे और बताइए आप लोग कैसे हो दोस्तों। मेरा ब्लॉग आप लोग का कैसा लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट में बता सकते हो। मेरा घर आप लोग का कैसा लग रहा है आप लोग हमको कमेंट में बताइए। मेरा घर देखिए एकदम कैसा दिख रहा है, सब उजड़ा पुजड़ा है, खाना बन रहा है, दूध भी कर रहा है सब, अभी तक खाना बन रहा है। देखिए दोस्तों, जिसको जिसको मेला करना है हमारे गांव आ जाए, कुकुला थान मेला बहुत अच्छा मेला लगता है। गुरुवार के दिन से मेला चालू हो जाएगा, 30 तारीख से मेला एकदम अच्छा लगेगा। अगर जिसको जिसको करना है मेला, मेरे गांव आ जाइएगा, मेरे गांव में मेला बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। और धूप तो इतना हो रहा है ये पूछिए मत, बहुत ज़्यादा धूप हो रहा है। चलिए चल रहे हैं काम करें, खाना पानी हो गया, देखिए दूध दिख रहा है, दूध जमाने के लिए दोस्तों दही जमाएंगे मेरे ससुर जी के ब्रह्मभोज के लिए। बोली कुछ का बोली हाय दोस्तों मझलो ना बोले नहीं, यही गलत करे ना। ले आई सुपर मांग के गौरी घामवा बड़ी बेकार, हमने कहा भैया चाय बढ़ के चावल रख दे, धूप छाहिया दिखा, इतना धूप हो रहा है दोस्तों। देखिए चैत बैसाख इसी को बोलते हैं। और दोस्तों देखिए, हमारे ससुर जी का 31 तारीख को परम भोज है। अगर जो भी भाई बहन है इधर का, अगर हमसे मिलना चाहते हैं तो हमारे घरे आज आ सकते हैं। सिसई कुड़वा के लगे जो वहाँ कुलकुला थान के मेला लगता है दोस्तों, अगर आप आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। समझे। और आज हमारा देखिए घर में, आज हमारे ससुर जी का नाम का चावल बन रहा है और बहुत काम है। और 31 तारीख को मेरे ससुर का ब्रह्मभोज है, उसी में हम लोग मेहनत कर रहे हैं दोस्तों, क्या करें। हम सोचे थोड़ा काम कर ले हम लोग, और फिर आप लोग के बताएंगे। यहाँ मेरा थोड़ा वीडियो नहीं अच्छा हो पा रहा है दोस्तों, क्या करें, बन ही नहीं पा रहा है वीडियो। हाय दोस्तों, और आप लोग देखिए अभी जा रहे हैं कपड़ा धोने, कपड़ा धो लेंगे फिर काम करेंगे, काम बहुत है आज, टाइम नहीं मिला दोस्तों। और चलिए अब आप मिलेंगे कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्ते बाय। आपको चलिए